सबसे पहले तो भाई जितने भी हिंदू समाज के मेरे भाई हैं उन सभी को मेरी तरफ से, छोटा नहीं हो जाऊंगा मैं बिल्कुल भी, मेरी तरफ से हाथ जोड़ के। तो भाई एलविस यादव ने माफी मांगे अपने वीडियो के जरिए मुनावर फार की वो गले लगाने के लिए, और ये भी बोला है कि सनातन धर्म के लिए एक के हजार मुनावर कुर्बान है। तो अब बात आती है कि क्या एलविस यादव रैंडम से ना के आगे झुक गए, तो आइए हम पहले ये वीडियो देखते हैं। और वीडियो भी स्टार्ट होगी, बट उससे पहले ही बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं एलविस में ईगो बहुत ज्यादा है और हिंदू समाज से माफी नहीं मांग रहा। भाई मैं एक बार ही नहीं, मैं हजार बार माफी मांगने के लिए तैयार हूँ हिंदू समाज से, क्योंकि हिंदू समाज मेरा अपना है, इन्होंने मेरे को उठाया और मैं इससे बिलोंग करता हूँ, इससे ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो भाई जितने भी हिंदू समाज के मेरे भाई हैं उन सभी को मेरी तरफ से, छोटा नहीं हो जाऊंगा मैं बिल्कुल भी, मेरी तरफ से हाथ जोड़ के, बहुत ही ज्यादा मुझे दुख है और जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से सॉरी है कि आपको बुरा लगा मेरा कि मैंने मुनावर को गले लगाया। ठीक है, ये आपने मेरी सॉरी ले ली, बिल्कुल छोटा नहीं हुआ मैं, मेरे बड़े भाई भी देख रहे हैं और मेरे छोटे भाई भी देख रहे हैं, कोई बात नहीं, छोटे भाइयों के आगे भी हाथ जोड़ दिया, हम उसमें भी छोटे नहीं होते हैं, इट्स ओके। पर अब जितने भी भाइयों ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई है, जितने भी कह रहे हैं कि एलविस गद्दार है ये, ठीक है भाई आपकी बात मान ली मैंने, पर आज हम बात करेंगे फैक्ट्स पे। और अपनी ईगो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी ईगो जो आपकी है एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, उसको थोड़ी देर के लिए साइड रख देना और अपने भाई की बात ना एंड तक सुनना।